Good morning, everyone, and today we will do the revision of chapter 3rd in your English 2 book. Okay, the story about the squirrel, the wonderful, the travels, and the adventures of the wonderful. He just wanted to. टू ट्रैवल ईच एंड एवरीवेयर वो सभी जगह जाना चाहता था इट्स द स्टोरी अबाउट दैट लिटिल स्क्विरल द वंडरफुड ओके जो एक ओक ट्री के हॉलों में जो ट्रीज़ के बीच में खाली जगह बनी हुई होती है ना वहाँ रहता था एंड ही वॉन्टेड टू सी द होल वर्ल्ड उसे पूरी दुनिया देखनी थी लेकिन उसके लिए उसे अपनी मम्मी की परमिशन की ज़रूरत थी आपको जब कहीं जाना होता है तो आप अपनी मम्मी से परमिशंस लेते हैं ना सो so, उसी तरह से स्क्विडल ये चाहता था कि उसकी मम्मी उसे परमिशन दे दे ताकि वो पूरे वर्ल्ड को देख सके सभी जगह घूम सके उसने बहुत सारी चीज़ें अपनी मम्मी से सीखी थी कि किस तरह से झुकना है किस तरह से नट्स को तोड़ना है किस तरह से ग्लाइड करना है एवरीथिंग ही ही जस्ट लर्न फ्रॉम मदर एक दिन उसने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी आई वॉन्ट टू ट्रैवल टू द ईस्ट एंड द वेस्ट एंड सी न्यू थिंग्स कि मैं यहाँ वहाँ ईस्ट वेस्ट हर जगह जाना चाहता हूँ नई नई चीज़ों को देखना चाहता हूँ तो उसकी मम्मी ने को थोड़ा सा अपनी उदासी दिखलाई वो थोड़ी उदास हो गई और फिर उसे प्यार से धीरे से उन्होंने समझाया कि ठीक है यू कैन गो तुम जा सकते हो तुम ट्रैवल करना चाहते हो तो ठीक है तुम जाओ और फिर वो ग्लाइड करता हुआ ईस्ट की तरफ चला गया डार्क क्रिपी वुड्स बहुत तरह तरह के फॉरेस्ट वगैरह आए उसके रास्ता में लेकिन वो क्या सोच रहा था ईस्ट की तरफ बढ़ रहा था तो वॉट ही वॉज थिंकिंग इट विल नॉट टेक मी लॉन्ग टू रीच द प्लेस वेयर द सनराइज़ कि ईस्ट की तरफ ही सनराइज़ होता है ना तो वो ये बार बार सोच रहा था कि मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा उस प्लेस पे पहुंचने में जहाँ की सनराइज़ होता है और फिर अपने रास्ते में वो कहाँ रुका अपने कज़न चिपमक के पास ओके चिपमंक जो था वो उसका कज़न था वो भी एक ट्री के हॉलों में रहता था वनडरफोर्ट ने फिर चिप को कहा कि वो किस तरह से इसके बाद वेस्ट की तरफ जाना चाहता है ईस्ट वेस्ट सभी जगह उसे जाना है कि वो ईस्ट ट्रैवल कर लेगा फिर उसके बाद वो वेस्ट जाएगा फिर उसके बाद कुछ नट्स उसने खाए एंड देन सेड गुड बाय टू हिज़ कज़न और उसके बाद वहाँ से वो वापस आगे बढ़ गया फिर मिड डे होते होते ही ड्रॉपड इन टू अ वीट फील्ड गेहूं के खेत में वो वहाँ पहुँचा द प्लांट्स वर स्वीट एंड हैड सॉफ्ट स्टेम्स बहुत ही सॉफ्ट स्टेम्स थे बहुत ही स्वीट प्लांट्स थे गेहूं की बालियाँ बहुत ही अच्छी अच्छी थी वेरी गुड फॉर लंच ऐसा उसने सोचा वंड ने कि ये लंच के लिए बहुत अच्छा रहेगा फिर कुछ जूसी शूट्स जो शूट्स जो स्टेम्स के नीचे होते हैं ना वो उस तरह से उनको उसने खा लिया और उसके बाद उसे वो बहुत ही अच्छे लगे फिर वो मंच करता हुआ सोच रहा था कि ये कितना ब्यूटीफुल प्लेस है और और भी कितने सारे ऐसे प्लेसेस आएंगे जो वो देखेगा देन ही मेट अ माउस वहाँ उसे कौन मिला एक माउस मिला फिर उसने उस माउस से पूछा कि प्लीज़ मुझे कोई ऐसा रास्ता बचा बता दो वेर आई कैन ड्रिंक वाटर जहाँ मैं थोड़ा सा पानी पी सकूँ क्योंकि शूट्स खाने के बाद वीट फील्ड से होने के बाद उसकी भूख तो खत्म हो गई थी लेकिन अब उसे प्यास लग रही थी तो जब वो पानी के पास पहुँचा तो उसने वहाँ क्या देखा ही अ सैड साइट उसे एक ऐसा नज़ारा दिखा जिससे वो उदास हो गया ही बेंट टू ड्रिंक द वॉटर जब उसने पानी पीने के लिए थोड़ा सा अपने को आ, आगे की तरफ किया वो आगे पानी की तरफ झुका तो उसे क्या दिखा इज़ ब्राइट आइज व डल विद वियरिनेस उसकी जो आँखें थीं वो थकान से बिल्कुल डल हो गई थी वो थका हुआ दिख रहा था इज़ विस्कर ड्रुपिंग ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी जो विस्कर्स थे उसकी जो उसके मुँह के ऊपर जो छोटे छोटे मुस्टेज जैसे थे जो रोए निकले हुए थे वो क्या थे बिल्कुल एनर्जी से डाउन हो गए थे उसका जो टॉल और टेल था और क्लॉज थे वो सब बहुत ही ब्लट दिख रहे थे अनटाइट दिख रहे थे ही वॉज नॉट लुकिंग गुड एट ऑल वो बस थका हुआ दिख रहा था बट वंडर फुट वॉज़ अ ब्रेव लिटिल स्क्रल लेकिन वंडर फुट क्या था बहुत ही ब्रेव स्क्रल था वो बिल इतनी जल्दी थकने वालों और हार मानने वालों में से नहीं था तो उसने डिसाइड किया कि वो बिल्कुल नहीं थकेगा और अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेगा फिर वो यहाँ वहाँ ग्लाइडेड कर करता हुआ और आगे की ओर बढ़ने लगा ट्रैवलिंग टूवॉर्ड्स द ईस्ट समटाइम्स बड़े बड़े शहर उसके रास्ते में आए और भी बहुत सारी चीज़ें आई वो अकेला ही आगे की ओर बढ़ता चला गया वन क्लाउडी मॉर्निंग वन लीव्स अपियर रेड एंड येलो Wonderful said to himself, I am so chilled and cramped. I'll take a few eastward jumps before searching for breakfast. वो कुछ दिन बाद एक दिन सुबह सुबह बिल्कुल बादल जैसा था morning जो थी वो बिल्कुल cloudy थी तो उसे leaves वगैरह बहुत ही red yellow इस तरह से नजर आ रहे थे things were dull. उसे ठंड लग रही थी सो तो उसने कहा कि मैं few eastward jumps लूँगा और उसके बाद फिर मैं अब breakfast करूँगा देन ही लुकड इस्टवर्ड फॉर हिज नेक्स्ट फुट होल्ड कि उसे अगली अपना पैर कहाँ रखना है फुट होल्ड वेर यू वॉन्ट टू प्लेस योर फुट इज़ द फुट होल्ड तो ईस्टवर्ड उसे अब अगले अपना कौन सा स्टेप रखना है किधर बढ़ना है वो उसने इधर उधर देखना शुरू किया बट देयर वॉज नो फुट होल्ड लेकिन वहाँ पर कहीं भी कोई ऐसा प्लेस नहीं था जहाँ वो अपने आ, पैर बढ़ा सकता द टॉल डार्क हेमलॉक ट्री स्टूड एट द वेरी एज ऑफ द ओशन वो जिस ट्री पे था द हेमलॉक ट्री एक हेमलॉक ट्री इज अ प्लान्ट पर्पल स्पॉटेड स्टेम्स और उसके आगे क्या था आगे कोई रास्ता नहीं था जाने का वहाँ पे केवल बड़ा सा ओशन था वो एक ओशन एज पे ओशन के किनारे पहुंच चुका था सो देर वॉज नो एनी अदर प्लेस वेयर ही कुड पुट इज फुट नेक्स्ट ओके ओ क्राइड द फियरफुल लिटल स्क् लुकिंग ओवर द ग्रेट ओशन आई एम एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि मैं तो मैं तो बिल्कुल वर्ल्ड के एंड पे पहुंच गया अब तो इसके आगे जाने का कहीं कोई रास्ता ही नहीं है एंड देर इज नो प्लेस टू जम्प अपॉन देन एज अ ह्यूज वेव केम फॉरवर्ड हिस्ट्री यू रैन वेस्टवर्ड अब जैसे ही एक बड़ा सा ओशन करेंट एक बड़ा सा वेव उसकी ओर बढ़ा उस पेड़ की तरफ तो ये वापस वेस्टवर्ड की तरफ दौड़ गया और भागने लगा ही सेट द ग्रेट वॉटर इज ईटिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड बट आई विल नॉट लेट इट ईट मी कि ये जो वेव ऑफ़ वाटर है ये पूरे वर्ल्ड को खाने के लिए उसे अपने अंदर लेने के लिए आ रहा है पर मैं इसे अपने आप को बिल्कुल भी नहीं खाने दूंगा और ऐसा बोलता हुआ वो वापस वेस्ट की तरफ दौड़ने लगा भागने लगा वेन ही वॉज़ फार अवे फ्रॉम दैट प्लेस ही टुक रेस्ट इन एन empty क्रोज nest फिर जब वो उस जगह से उस ओशन वेव से काफ़ी दूर आ गया तो उसने एक क्रो के एम्प्टी नेस्ट में थोड़ी देर रेस्ट करने का सोचा ही फेल्ट गिडी एंड रिमेम्बर्ड दैट ही हैड नॉट इट एन एनी थिंग द एंटायर डे वो बिल्कुल थका हुआ महसूस कर रहा था उसे थकान हो रही थी उसे चक्कर आ रहे थे ही वॉज नॉट फीलिंग वेल तो उसे याद आया कि उसने आज पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया है ही वेंट डाउन टू द ग्राउंड एंड फाउंड अ फ्यू बेरीज आफ्टर अ लॉन्ग सर्च काफ़ी देर नीचे सर्च करने के बाद उसे क्या मिले कुछ बेरीज मिले देन स्ट्रेचिंग द हिज स्टिफ टायर्ड लेग्स ही बिगैन हिज जर्नी वेस्टवर्ड ही ट्रेवल फॉर मेनी डेज फिर अपने थके हुए जो उसके स्टिफ हो गए थे मसल जो बहुत ही आराम से बेंड बिल्कुल सीधे हो गए थे वो अपने पाँव को मोड़ नहीं पा रहा था उसके जॉइंट्स में पेन हो रहे थे उसने किसी तरह अपने थके हुए पैरों को स्ट्रेच किया और अपनी जर्नी को वेस्टवर्ड कंटिन्यू रखा फिर वो काफ़ी दिनों तक ट्रैवल करता रहा वन डे हाफ फ्रोजन लिटिल लिटल हैड ओनली विंटर ग्रीन लीव्स फॉर फूड और एक दिन जब वो बिल्कुल ठंड से आधा जमा चला जा रहा था उसके पास केवल विंटर ग्रीन लीव्स बचे हुए थे जो थोड़े से वो खाने के लिए यूज़ कर सकता था The द वॉटर ऑफ ऑल द्रुक् टू हैव टर्न टू लैंड ही वॉज इट वॉज आइसी कोल्ड एंड सो स्टिफ डेट ही क्राइड ई कुड नॉट ट्रेवल एनी मोर इतनी ज़्यादा ठंड थी और जितना भी पानी था वो पूरी तरह से लैंड में बदल चुका था यानी कि फ्रीज हो चुका था वो आइस में बदल चुका था और वो भी बिल्कुल ठंड से स्टिफ हो गया था उसके पूरी बॉडी जो थी वो बेंट भी नहीं हो पा रही थी फिर वो बिल्कुल अपनी तकलीफ़ से रोने जैसा होने लगा उसका ही वॉज रियली फीलिंग लाइक क्राइंग एंड देन ही कुड नॉट ट्रैवल एनी मोर उसे लगा कि अब मैं और इससे ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा ही हर्ड हिज मदर एज ही वॉज टायर्ड ही कुड नॉट सी प्रॉपरली और फिर वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था ही वॉज़ फेंटिंग सो वो ठीक से देख भी नहीं पा रहा था ही रैन इं टू अ ट्री ब्रांच एंड स्लाइड इन टू अ होल और फिर वो एक पेड़ के पास पहुंच गया और उसके अंदर जो हॉलो बना हुआ था उसी के अंदर वो चला गया ताकि उसे थोड़ा सा आराम मिल सके और उसे गर्मी लग सके क्योंकि वो बाहर बिल्कुल फ्रीज हो रहा था सडनली इट वॉज़ ऑल फरी एंड वॉम और थोड़ी देर में वो बिल्कुल फरी और वॉम फील करने लगा ही हर्ड इज़ मदर स्पीक आई एम हैप्पी आर बैक माई डियर लिटिल वंडरफुट और फिर वैसे ही तुरंत उसे किसकी आवाज़ सुनाई दी अपनी मदर की आवाज़ सुनाई दी कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे प्यारे से छोटे से वंडरफुल तुम वापस आ गए हो द लिटिल स्क्वेरल स्लेप्ड happily इन द हॉलो ऑफ हिज ओन ओक ट्री ही वॉज़ होम ठीक है वो अपने उस प्यारे से अपने छोटे से ओक ट्री में वापस आकर के और फिर अच्छे से सो गया वो वापस अपने घर लौट गया था इट वॉज हिज़ ओन होम तो पहले क्या था वो बिल्कुल ईस्टवर्ड गया देन ही रैन बैक टू वेस्ट वर्ड सो वो बस तरह वापस भागते हुए अपने घर वापस आ गया था सो चिल्ड्रेन दिस वॉज द स्टोरी विच वी हैव रिवाइज एंड यू हैव टू प्रिपेयर दिस फॉर योर कमिंग एग्जाम्स सो लर्न ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स द चैप्टर द क्वेश्चन आंसर्स एवरी थिंग ठीक है आपको सब कुछ लर्न करना है एंड बी प्रिपेयर फॉर योर कमिंग एग्जाम्स ओके ऑल द बेस्ट